सब्सक्राइब कीजिए स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल को और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में जिसका नाम है सिंपल सेंटेंसेस। गाइस, जब आप सेंटेंसेस को बनाने की शुरुआत करते हैं ना, सबसे पहला टॉपिक आता है सिंपल सेंटेंसेस। क्या आप सिंपल सेंटेंसेस को बनाना जानते हैं, सबसे पहला सवाल। उसके बाद आते हैं टेंस, जिससे अक्सर स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, टेंस के स्ट्रक्चर। उसके बाद आती हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, मे हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, डेयर, नीड, ये सभी हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। और उसके बाद हम सीखते हैं इन सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस को बनाना। ये सेंटेंस होते हैं एक्टिव में, इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं पैसिव में। गाइस, अगर मैं आपके सामने एक सवाल रखूं कि कितने स्टूडेंट्स दिल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप में से सभी स्टूडेंट्स से कहेंगे कि हम सीखना चाहते हैं, इसीलिए तो आप इस वीडियो लेक्चर में आए हैं, ये तो फैक्ट है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब मैं आपसे ये कहता हूं कि अगले 3 महीने, अगले 6 महीने क्या आप एक एक टॉपिक की वीडियो को देख करके नोट्स बनाएंगे, क्या आप एक एक टॉपिक को समझ करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी बरकरार रखना मुश्किल तो है, असंभव तो नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने इंग्लिश सीखी है बेसिक से उठ करके, उन लोगों ने ऐसे ही मेहनत की है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स ये करने में फेल हो जाते हैं। आज से 14 साल पहले मैं एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए जाता था, 1 घंटे की क्लास लेता था। मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, उसने नया ज्वाइन किया, 1 दिन पहले ही उसने ज्वाइन किया, वो मेरे बगल में बैठा था। क्लास ओवर हुई, मैंने नोटिस किया हिज फादर पिक्ड हिम अप इन अ मर्सिडीज कार। उसके पिताजी ने उसे एक मर्सिडीज कार में पिक किया। नेक्स्ट डे जब वो क्लास में आया, मैं तो थोड़ा चौंका हुआ था ही, क्योंकि मैंने मर्सिडीज कार ही फर्स्ट टाइम देखी थी और किसी ने मुझे बताया कि ये मर्सिडीज है। तो मैंने उससे नेक्स्ट डे क्वेश्चन किया कि तू तो इतना अमीर है, इतने रिच तेरे फादर हैं, तो इतनी सारी फैसिलिटीज तेरे पास अवेलेबल होंगी, तो तेरे को इंस्टीट्यूट में आने की वाकई में क्या जरूरत पड़ गई इंग्लिश सीखने के लिए। तो उसने एक बहुत अच्छा जवाब दिया जो मेरे दिमाग में फिट हो गया। जवाब क्या था, उसने मुझसे कहा कि सीखना है तो मैदान में तो उतरना पड़ेगा और खुद ही उतरना पड़ेगा। गाइस, सेम फंडामेंटल हर किसी की लाइफ में होता है। क्या फर्क पड़ता है कि आप एक हाउसवाइफ हैं और बच्चों के बीच में इतनी उलझी हुई कि आप टाइम नहीं निकाल सकती किसी इंस्टीट्यूट में जाने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपके पास यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है। आप यकीन मानिए, उस टाइम पे तो यूट्यूब जैसा कोई प्लेटफॉर्म होता ही नहीं था। इंग्लिश हम कैसे सीखते, इंटरनेट के थ्रू तो सीख नहीं सकते थे, या तो बुक्स थी या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन करो और खूब मेहनत करो। मेहनत करके ही आपको सीखना है, मेहनत यहां पर भी करनी है, लेकिन फैसिलिटी आपको घर बैठे मिल जाती है। इसलिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं, तो गाइस इंग्लिश तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, और आज नहीं तो कल शुरुआत करनी ही पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप नहीं है। सब बोलने वाली बातें हैं कि एक टिप, एक ट्रिक और एक शॉर्टकट में आप इंग्लिश सीख जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होने वाला है। रियलिटी पे आते हैं, मेहनत करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दूर दराज के गांव में बैठे हुए स्टूडेंट हो, 10 किलोमीटर आपके घर से दूर एक इंस्टीट्यूट है जहां फीस 5,000 रुपए, आप वहां नहीं जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर पे आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट का कनेक्शन है, डेटा बिल्कुल फ्री है। इंग्लिश सीखिए, दिल लगा के सीखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। और यही कारण है, अगर आप ध्यान दें, जितने भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल मैं आपके लिए करता हूं यूट्यूब पे, इन सभी की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं englishwale.com पे या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप में जो मैंने आपके लिए डेवलप किया है। सभी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस फ्री अवेलेबल है, जाइए प्रैक्टिस करिए। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे पहला काम तो ये करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब करिए, ताकि एक भी वीडियो लेक्चर आप मिस ना करें, नंबर वन। नंबर टू, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको ये नहीं पता होगा कि इससे पिछले लेसन कहां पर अवेलेबल हैं, आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में, सबसे पहली प्लेलिस्ट है बेसिक फॉर बिगिनर्स, और उसमें लेसन 1, 2, 3, 4, 5, इससे पिछले सभी लेसन वहां पर अवेलेबल हैं। एक एक करके सभी लेसन को आपको देखना है और इंग्लिश सीखनी है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने क्या लिखा है, सिंपल सेंटेंसेस। नीचे डेफिनेशन क्या है आपके सामने, परिभाषा क्या है, नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा नो एक्शन। इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, और मैं आपको कह रहा हूं जब आप इस वीडियो लेक्चर को देख लेंगे, कम से कम 100 सेंटेंसेस सोचिए जिन सेंटेंसेस में
सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन यानी कोई भी काम न किया जा रहा हो। तो किसी भी सेंटेंस में जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होता, नहीं, वो सेंटेंस है आपका सिंपल सेंटेंस। अब पॉइंट क्या है, मैं आपसे कहता हूं कि मैं खेल रहा हूं, यहां पर तो मैं सब्जेक्ट हूं, मैं तो एक काम कर रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं, खेलने का काम कर रहा हूं। इस सेंटेंस में तो एक्शन है, इसलिए ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है। और आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। टेंस के सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में बताया गया, यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया। राहुल एक अच्छा लड़का है, सब्जेक्ट है राहुल, राहुल के बारे में सिर्फ बताया गया कि वो एक अच्छा लड़का है, राहुल के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया, वो एक सिंपल सेंटेंस है। उसकी चार बहनें हैं, सब्जेक्ट कौन है, कौन है वो जिसकी चार बहनें, वो, तो सब्जेक्ट है वो, ही, यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए ये सेंटेंस भी एक सिंपल सेंटेंस है। मैं आपसे कहता हूं पापा घर पर होंगे, पापा घर पर होंगे, पापा मेरे सब्जेक्ट हैं, पापा के द्वारा कोई काम करने के बारे में बताया गया, नहीं बताया गया, यह भी एक सिंपल सेंटेंस है। किताब टेबल पर रखी हुई है, सोचिए रखना, रखना तो एक वर्ब है, रखना, जैसे मैं कहूं कि मैंने किताब रखी, यानी मैंने एक काम किया, रखने का मैंने काम किया, वो नहीं। लेकिन जब मैं कहता हूं कि किताब टेबल पर रखी हुई है, यहां पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, किताब के बारे में, क्या किताब कोई काम कर रही है सेंटेंस में, नहीं। जब सब्जेक्ट कोई काम ही नहीं कर रहा, यह सेंटेंस है आपका सिंपल सेंटेंस। अब देखिए, सोचिए जरा इस चीज को, दो सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं, पहला सेंटेंस रवि बैठ रहा है, ध्यान से सोचिएगा, दूसरा सेंटेंस रवि बैठा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रवि बैठ रहा है और रवि बैठा हुआ है। पहले सेंटेंस में आपने कहा रवि बैठ रहा है, तो देखिए बैठ रहा है इस तरह से, ये एक्शन है, एक काम है। तो जब आप कहते हैं ना रवि बैठ रहा है, वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं रवि बैठा हुआ है, यहां पर रवि जो मेरा सब्जेक्ट है, रवि के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया, ये तो उसके बारे में बताया गया कि उसकी अवस्था क्या है, वो बैठा हुआ है, कोई काम कर रहा है ऐसा नहीं बताया गया, ये सेंटेंस है आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक इसी तरह से मैं आपसे कहता हूं वो खड़ा है, ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर कोई काम करने के बारे में नहीं बताया गया सब्जेक्ट के। लेकिन जब आप कहते हैं वो खड़ा हो रहा है, खड़ा होना ये भी तो एक एक्शन है, एक काम है, तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये सेंटेंस क्या होते हैं फिर, टेंस के सेंटेंस। इसीलिए तो आप कहते हैं वो बैठ रहा है, ही इज सिटिंग, वो खड़ा हो रहा है, ही इज स्टैंडिंग, इस तरह से आप कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फिलहाल देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आप समझ गए कि सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंस हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होता, और इन सेंटेंसेस के तीन कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट में, वर्तमान में, पास्ट में यानी जो बीत गया, और फ्यूचर जो कि आने वाला है। आइए सेंटेंसेस को पहचानते हैं, बनाएंगे तो बाद में, पहले पहचान तो लें। है, हैं, हो, हूं, एसएमएस लैंग्वेज में भी लिख दिया है, जो स्टूडेंट्स हिंदी नहीं समझते उनके लिए एसएमएस लैंग्वेज में एग्जांपल, क्या एग्जांपल हो सकते हैं, राहुल एक अच्छा लड़का है, सीता एक अच्छी लड़की है, आप एक अच्छे, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो घर पर है, मैं घर पर या मैं हॉस्पिटल में या मैं स्कूल में हूं, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन न किया जा रहा हो, सिर्फ आए है, हैं, हो, हूं, प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी। अब बात करते हैं इसमें क्या वर्ब्स का यूज होता है, इज, एम, आर का ऐसे सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, और जब नेगेटिव बनता है सेंटेंस नकारात्मक नॉट के साथ, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये है पहचान वर्ब और नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब बात करते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी की, इंटरेस्टिंग कैटेगरी, सेंटेंसेस के एंड में आएगा पास है, या फिर मे है, या फिर भाई बहन आदि हैं, भाई बहन, दोस्त, अंकल, चाचा, मामा, ये सभी हैं, कैसे सेंटेंस कैसे, मेरे पास मार्कर है, आपके पास मोबाइल है, उसके पास लैपटॉप है, उसके पास पेन है, उसके पास फुटबॉल है, किसी के भी पास अगर कुछ है, ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी में। मे है, जब आप कहते हैं ना मे है, मे है का मतलब वही है, पास है,
यानी उसके अंदर है। एग्जाम्पल देखिए, ये मार्कर है, इस मार्कर में इंक है, इस मार्कर में है क्या है, इंक, यानी इस मार्कर के पास ना इंक है, ये सेंस है, सेंस समझिए, इस मार्कर में इंक है यानी इस मार्कर के अंदर क्या है, इंक है। अगर मैं आपसे कहूं कि अलमारी में कपड़े हैं, अलमारी जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलमिरा, एलमिरा, अलमारी में कपड़े हैं, अलमारी के अंदर कपड़े हैं, यानी अलमारी के पास, एक तरह से ऐसे समझिए, अलमारी के पास, अलमारी के अंदर सेंस आना चाहिए, इस तरह का सेंस आएगा, प्रैक्टिस से समझेंगे आप। तीसरा, ये पहचान है, भाई बहन आदि हैं, जैसे मैं आपसे कहूं मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं, उसकी तीन बहनें हैं, राहुल के चार चाचा हैं, उसके दो मामा हैं, उसकी एक दादी है, हालांकि दादी तो एक ही हो सकती है, उसकी एक दादी है, या उसके उसके तीन दोस्त हैं, उसकी तीन सहेलियां हैं, इस तरह के सभी सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि भाई बहन ही है, भाई बहन, दोस्त, चाचा, मामा, ताऊ, अंकल, कोई भी हैं, ऐसे केस में आप यूज करते हैं जिन वर्ब्स का, वो है हैज और हैव। गाइस, आप जानते हैं हैज का यूज कहां किया जाता है और हैव का यूज कहां किया जाता है, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको ये बात बता चुका हूं, हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ। इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि इनके जो नेगेटिव बनते हैं, हैज का नेगेटिव हैज नॉट नहीं, हैव का नेगेटिव हैव नॉट नहीं, ये तो टेंस में होता है, हैज का नेगेटिव हैज नॉट, हैव का नेगेटिव हैव नॉट। सिंपल सेंटेंसेस में कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी ध्यान क्या देना है, हैज का नेगेटिव डज नॉट है, हैव का नेगेटिव डू नॉट है, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, ठीक है। ये हो गई ये कैटेगरी प्रेजेंट की, तो दोनों कैटेगरी डिस्कस हुई। अब देखिए पास्ट, पास्ट की पहली कैटेगरी है था, थे, थी। एग्जाम्पल, वो घर पर था, हम उसके घर में थे, वो मेरे साथ थी, इस तरह के सेंटेंस जिनके एंड में क्या आएगा, था, थे, थी। लेकिन ध्यान रहे, फिर वही बात, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं आपसे कह दूं वो खेल रही थी, थी तो वहां पर भी आया, लेकिन क्या हुआ, वो खेल रही थी, वो तो एक काम कर रही थी, खेलने का काम, एक्शन कर रही हो, एक्शन नहीं होना चाहिए, एक्शन हो गया तो वो तो टेंस हो गया, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। यहां पर जो वर्ब आप यूज करते हैं वो क्या है, वॉज या फिर वर्ब। वॉज का यूज आप जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ, बाकी सभी के साथ आप क्या यूज करते हैं, वर्ब। वॉज का नेगेटिव वॉज नॉट सिंपल, वर्ब का नेगेटिव वर्ब नॉट सिंपल, ये कैटेगरी सिंपल है, ये कैटेगरी भी सिंपल है। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है, हैज के साथ, हैज के बजाय नेगेटिव में डज नॉट हैव आ रहा है, और जबकि कई स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब हैज आता है, नेगेटिव में आप कह रहे हैं डज नॉट हैव, यहां हैज क्यों नहीं आया। गाइस, जब भी हैव किसी दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है, जैसे वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, डज हैव, डू हैव, हमेशा आप क्या यूज करेंगे, हैव, वहां पर कभी भी हैज नहीं आता है, ये बात आगे भी आप जानेंगे। अब देखिए पास्ट की दूसरी कैटेगरी, ठीक इसी तरह से, पास्ट था, मैं था, भाई बहन थे, एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं, मेरे पास मार्कर था, आपके पास फुटबॉल था, उसके पास गिटार था, उसके पास पेन था, इस तरह के सभी सेंटेंस। कमरे में खिड़कियां थी, कमरे में खिड़कियां थी, लैपटॉप में गाने थे, मोबाइल में गेम्स थे, यानी उसके अंदर थे, उसके पास थे, उसके अंदर थे, ये सेंस है। भाई बहन थे, मेरे दो भाई थे, उसकी तीन बहनें थी, उसके दो दोस्त थे, उसके दो चाचा थे, इस तरह के सभी सेंटेंस। हैड का यूज एज अ वर्ब, और नेगेटिव में जैसे हैज का नेगेटिव बना डज नॉट हैव, हैव का बना डू नॉट हैव, ठीक इसी तरह से हैड का क्या बन गया, डिड नॉट हैव, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हैड नॉट नहीं, डिड नॉट हैव। अभी आगे स्ट्रक्चर डिस्कस होगा तो आप समझ पाएंगे इजीली फ्यूचर की दो कैटेगरीज। पहली कैटेगरी आपके सामने होगा, होगी और होंगे। अब देखिए कैसा, मैं आपसे कहता हूं वो घर पर होगा, सीता घर पर होगी, वो स्कूल में, बच्चे स्कूल में होंगे। अब अगर मैं आपसे कह दूं वो खेल रहा होगा, उसमें भी तो लास्ट में होगा आया, लेकिन खेल रहा होगा, खेलने के काम को कर रहा होगा, काम की बात होनी नहीं चाहिए, एक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, वो सेंटेंस तो टेंस का हो गया, मैं बात कर रहा हूं सिंपल सेंटेंस। यहां पर आपकी जो वर्ब है वो है विल बी, और विल बी का नेगेटिव विल नॉट बी, विल बी के बीच में क्या आना चाहिए, नॉट,
यहां पर गलती नहीं करनी है, विल बी नॉट नहीं बल्कि विल नॉट बी। नेक्स्ट, पास होगा, मे होगा या भाई बहन होंगे। उसके पास पेन होगा, राहुल के पास कंप्यूटर होगा, सीता के पास लैपटॉप होगा, उसके पास पैसे होंगे। इस तरह का सेंटेंस, मे होगा, कमरे में खिड़कियां होंगी, उस कमरे में ना खिड़कियां होंगी, उस फ्लैट में चार कमरे होंगे, भाई बहन होंगे, मेरे दो भाई होंगे, उसकी तीन बहनें होंगी, उसके पांच चाचा होंगे, मुझे ऐसा लगता है उसके पांच चाचा होंगे। सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम करने की बात नहीं हो रही है, भाई बहन होंगे। विल हैव का आप यूज करते हो, नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट हैव का यूज। जो स्टूडेंट्स बेसिक लेवल पे हैं वो जरा रुक जाइए एक सेकेंड, एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स को एक बात मैं बताना चाहता हूं। आप में से कई स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा कि जब हम बात फ्यूचर की करें, जैसे मैं आपसे कहूं कि वो कल सुबह 5 बजे घर पर होगा, वो कल सुबह 5 बजे घर पर होगा, ये सेंटेंस तो फ्यूचर का है, समझ में आ गया कि आपने कहा कि विल बी का यूज करो। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आई कि अगर हम ऐसा कहें, मान लीजिए आप उसे कहें कि राहुल कहां होगा इस वक्त, इस वक्त, इस वक्त राहुल कहां होगा, और मैं आपसे कहता हूं इस वक्त राहुल घर पर होगा, ये सेंटेंस तो फ्यूचर का नहीं है ना, इस वक्त प्रेजेंट की बात हो रही है, हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट की जब बात करते हैं तो आप में से अधिकतर स्टूडेंट जो एडवांस लेवल पे हैं, जिन्होंने विल वर्सेस वुड के वीडियो लेक्चर्स को देखा है, वो जानते हैं कि विल नहीं बल्कि क्या यूज किया जाता है, वुड का। यहां पर गाइस मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने नेटिव्स को जो ब्रिटिशर्स हैं, अमेरिकन्स हैं, मैंने उनको सुना समझा, 99% केसेस में भले ही बात प्रेजेंट की हो वो यूज करते हैं विल, केवल 1% वुड का यूज। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि आप उनकी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, आपको इंटरप्रेट करना है चीजों को, क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जब सेंटेंस किसी टेंस कैटेगरी का हो, जैसे आपको एग्जांपल मैंने पहले दिए थे, कोहली खेल रहा होगा, धोनी खेल चुका होगा, जब सेंटेंस टेंस कैटेगरी का हो और प्रेजेंट में हो, ऐसे में आप वुड का यूज करते हैं। लेकिन यह है सिंपल सेंटेंस और यहां पर आप केवल विल का यूज करेंगे। और जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि सर आपने यहां पर शैल का यूज क्यों नहीं किया। गाइस, शैल का यूज ना तो सिंपल सेंटेंसेस में और ना ही टेंस के सेंटेंसेस में आप किया जाता है, केवल एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब किया जाता है। ये बात इससे पिछले लेसन में भी मैंने आपको बताई थी, आपको सिर्फ यूज करना है विल का। तो इस तरह से आपने सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स की पहचान तो समझ ली। तीन कैटेगरी हैं, आप ध्यान से सुनते जाइए मुझे, एक क्विक रिवीजन मैं करता हूं पहले, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब देख केवल सुनिएगा, प्रेजेंट में दो कैटेगरीज, पहली कैटेगरी है हो हूं, कौन सी वर्ब का आप यूज करते हैं, इज एम आर, नेगेटिव में इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। दूसरी कैटेगरी प्रेजेंट की, पास्ट है या मे है या भाई बहन दोस्त आदि हैं, कौन सी वर्ब का आप यूज करते हैं, हैस या फिर हैव, हैस का नेगेटिव डज नॉट हैव, हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव। अब बात करते हैं पास्ट, पास्ट की दो कैटेगरीज, पहली कैटेगरी क्या है, था थे थी, कौन सी वर्ब आप यूज करते हैं, वॉज वर, नेगेटिव में आप क्या यूज करते हैं, वॉज नॉट वर नॉट। दूसरी कैटेगरी, पास्ट था, मे था या भाई बहन दोस्त आदि थे, कौन सी वर्ब आप यूज करते हैं, हैड, हैड का नेगेटिव क्या बनाते हैं, डिड नॉट हैव। अब बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर की पहली कैटेगरी होगा, होगी, होगे, यहां पर आपकी वर्ब क्या है, विल बी, नेगेटिव में आप क्या कहते हैं, विल नॉट बी। दूसरी कैटेगरी, पास होगा, मे होगा या भाई बहन दोस्त आदि होंगे, वर्ब क्या यूज करते हैं, विल हैव, नेगेटिव में विल नॉट हैव। ये जो स्क्रीन पे आपके सामने लिखा है इसको आप नोट जरूर करिए अपनी कॉपी में, और साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक चार्ट है, यही चार्ट है, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चार्ट और इस तरह के कई चार्ट्स अवेलेबल हैं englishwale.com पे। गाइस, इंग्लिश का कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए आपको कॉपी खोलने की जरूरत पड़े, आपको चार्ट देखने की जरूरत पड़े, रूल्स आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। आपसे किसी व्यक्ति ने कहा ये सेंटेंस, आपने तुरंत कहा कि ये सेंटेंस इस तरह का सेंटेंस है, इस कैटेगरी का सेंटेंस है और यहां पर ये वर्ब यूज होगी और सेंटेंस को इस तरह से बनाया जाएगा। आप ये कर सकते हैं, मेरा यकीन करिए, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां लोगों ने हासिल की है, इंग्लिश तो बहुत छोटी चीज है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपने इस वीडियो लेक्चर से कुछ भी सीखा है तो गाइज वीडियो लेक्चर को शेयर जरूर करिएगा, ताकि देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं,
आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।